अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड प्राइसेस ने अपने जो लोस थे 2292 से एक अच्छी रिकवरी दिखाई और 2309 का जो एक लेवल था उसको ब्रेक करते हुए गोल्ड ने 2332 की हाई बनाए। 2332 ही हमारा कल टीपी था। कल अपने जो पेड ग्रुप के मेरे मेंबर हैं व्हाट्सएप के, उनको मैंने गोल्ड बाय करवाया था इस जोन में 2321-23 से, और 100 पिप का जो है वो प्रॉफिट हमने 2332 पर बुक किया। इसके अलावा एक फॉरेक्स पेयर में भी हमारा टीपी हिट हुआ है, जो आगे चलकर हम उस पेयर पर देखेंगे। तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो कल जो एक अच्छी रिकवरी आई उसके बाद से अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 100 पिप की जो रेंज है उसमें फ़िलहाल हमें स्टक नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। अगर आप लोअर साइड पर देखेंगे तो ये जोन है 2320 से 18 का, ठीक है जी। और हायर साइड पर अगर आप देखेंगे तो वो मैं इस एक जो एक दफ़ा इसने हाई लगाया उसको भी मार्क कर देता हूँ, लेकिन मोस्टली ये 2330 के आसपास से रिजेक्ट होता रहा है। तो ये एक जोन है गोल्ड प्राइसेस जिसमें हमें स्टक नज़र आ रही हैं। अपर साइड पर 2332-30 है और लोअर साइड पर 2320-18 का है। अब ये रेंज गोल्ड ब्रेक करेगा तो फिर उस साइड में हमें मज़ीद जो है वो मूव नज़र आ सकता है। अगर हम लोअर साइड पर देखें तो अगर गोल्ड 2320-18 को ब्रेक करता है तो गोल्ड फिर दोबारा से अपने इस जोन को टेस्ट कर सकता है, जो कल का एरिया था यानी ब्रेकआउट एरिया था 2310 से आप 2308 का जोन कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये गोल्ड्स के जो बेयर्स हैं उनको ब्रेक करना होगा फ्रेश वीकनेस के लिए टूवर्ड्स 2305 और 2290-95 तक। ठीक है, ये वाला एरिया अगर गोल्ड ब्रेक कर देता है आने वाले सेशन में तो फिर गोल्ड में आपको फ्रेश वीकनेस नज़र आ सकती है, वाइस वर्सा गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट रहेगा। ऑन दी अदर साइड अगर हम हायर साइड की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस के लिए 2330 के आसपास। इसको अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर गोल्ड प्राइसेस आपको मज़ीद जो हैं वो हाइज दिखा सकती हैं। ठीक है जी, फर्स्ट टारगेट फिर आपका होगा 2340 से 42 का जोन है, ठीक है, जहां से प्राइसेस स्लिप हुई थी लास्ट टाइम। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्राइसेस आपको 2352-50 का जो एरिया है फिर वहाँ तक हाई दिखा सकती हैं। ये की लेवल्स हैं जो मैंने आपको मार्क कर दिए हैं, ये वो लेवल्स हैं जिनको आप आने वाले सेशंस में प्ले करके एसएल के साथ अगर आप प्ले करेंगे तो आई होप कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। तो आज इंट्राडे के लिहाज से हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं, बट उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें और डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल डिटेल से दिए गए। आज का रेजिस्टेंस है जी 2342 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2342 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2350 और 2355 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 2309 का। एक की एरिया है जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसके ऊपर अगर H1 क्लोज हो गया तो आपको हाई नज़र आएंगे। तो अगर आपने वो आपके माइंड में था बात तो आई होप कि आपने प्रॉफिट गेन किया होगा। 2309 को अगर प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर फ्रेश वीकनेस हमें नज़र आ सकती है 2305 और 2295 की तरफ। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड आपको पता ही है कि फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानेब। 2730 के आसपास ट्रेड कर रही हैं तो ये जो लेवल्स हैं इनको इग्नोर कीजिएगा, ये फ्राइडे के लेवल्स हैं। मंडे को मैं वीडियो बना नहीं सका था कुछ मसरूफियात की वजह से। 2770 का हमारा रेजिस्टेंस है सिल्वर में जी, 2709 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। नेक्स्ट है जी हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यहाँ पर अगर आप अगर देखें तो एक स्टक हुआ पड़ा है, तो आज का क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है 7950 का, सपोर्ट है 17750 का,
ट्रेंड इसका अलबत्ता आप कह सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की कंट्रास्ट है, यानी वीक जोन में है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानेब। यह है जी यूरो 760 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का हमारा रेजिस्टेंस है 795 का, सपोर्ट है 740 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है जब तक 740 ब्रेक नहीं होता। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानेब। ब्रिटिश पाउंड में वो वाला जो पॉजिटिव, जो आप कह सकते हैं कि आंसर जो यूरो में नज़र आ रहा है, वो थोड़ा सा इसमें कम है। ठीक है जी, आज का रेजिस्टेंस है 2590 का, सपोर्ट है आज का 2525 का। ट्रेंड इसका जैसा कि मैंने कहा कि वो वाला जो पॉजिटिव आंसर है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वीक भी नहीं है, फ्लैट आप इसे कह सकते हैं। अगर 2525 ब्रेक करता है तो फिर हमें इसमें वीकनेस मज़ीद जो है वो नज़र आ सकती है। यह है जी यूजे 154.50 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा आज हमने इसको बाय किया था 153.90 के आसपास, तो इसमें हमने 40 से 45 पे आज बुक किए हैं। इसी की मैं बात जो है वो स्टार्ट में कर रहा था। तो आज का जो रेजिस्टेंस है वो है 155.05 का, सपोर्ट है 100, जहाँ से हमने बाय किया था 153.85 का। ट्रेंड है इसका भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ऑर्ड की तरफ। इसकी आज मॉनेटरी पॉलिसी थी, किसी किस्म का रेट हाइक तो नहीं किया गया उनकी जानिब से। आप कह सकते हैं कि जो चेयरमैन है बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के, तो आज का जो इसमें रेजिस्टेंस है वो है 66.50 का, सपोर्ट है 65.80 का। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, अगर 65.80 ब्रेक कर देता है तो फिर ये वीक जोन में इंटर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।